हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे साथ ही साथ जो एडिटोरियल आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे सो बिफोर वी बिगिन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो द फर्स्ट न्यूज़ यू कैन सी हेयर एक्टिव केसेस फॉल बिलो सिक्स लैक आफ्टर एट्टी फाइव डेज तो यहाँ पर एक लाइन ग्राफ आपको दिख रहा होगा यू कैन सी हेयर दिस इज द लाइन ग्राफ यू में जो केसेस हैं एक्टिव वो अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी लैख तक हैं और इन in इंडिया बढ़ने के बाद जो केसेस हैं वो अब अप्रॉक्सीमेटली बिलो सिक्स लाख हैं एट्टी फाइव डेज के बाद मींस रिकवरी जो है वो इंडिया में हाई है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी बट वो फ्रंट पेज पे फीचर हो रही है तो उसको उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इम्पोर्ट वर बिथ नाट विल नॉट बी परपिचुअल अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो स्कीम लॉन्च की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उस स्कीम को गवर्नमेंट बात कर रही है एक्सटेंड करने की तो यहाँ पर बात की गई है कि जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार उन्होंने कॉन्फिडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बोला कि जो इंटेंसिव हैं इंसेंटिवस हैं मैनुफेक्चरिंग इन्वेस्टमेंट उसको एक्सटेंड कर रहे हैं नाइन टू टेन सेक्टर फ्रॉम फोर एट प्रजेंट अभी चार सेक्टर्स पे इंसेंटिव दिया जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा प्रोडक्शन लिंक मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंसेंटिव अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कि प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम इम्पोर्ट्स बॉन्ट बी परपीचुअल मतलब जो इम्पोर्ट का जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो कि अदर कंट्रीज से जो इम्पोर्ट होता है उससे प्रोटेक्शन अगर दे रहे हैं तो वो हमेशा नहीं रहेगा अदरवाइज इंडिया विल बी अ क्लोज इकोनॉमी तो इसलिए वो परपीचुअल नहीं रहेगा तो इंडिया इज नॉट टर्निंग इन अ प्रोटेक्शनिस्ट और क्लोज इकोनॉमी अगर ऐसा करते हैं वो तो फिर इसको टर्म किया जाएगा कि इंडिया एक क्लोज इकॉनॉमी है तो वो ऐसा नहीं है अब जो इंसेंटिवस हैं विल ऑपरेट विद इन द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रूल्स फ्रेमवर्क जो भी इंसेंटिव्स uh, in, uh, हैं वो रूल्स के बेसिस पे ही दिया जाएगा अब यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि कोई भी टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए वो सनसेट क्लॉज के साथ आएगा सनसेट क्लॉज मतलब कोई भी जो प्लान है उसका आ, उसको ख़त्म करने की डेट अगर फिक्स होती है तो उसको बोला जाता है अंडर द सनसेट क्लॉज जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिज़र्वेशन जो है फर्स्टली टेन इयर्स के लिए प्रोवाइड किया गया था तो इसका मतलब टेन इयर्स के बाद वो सनसेट हो जाने वाला था ख़त्म हो जाने वाला था तो वो एक सनसेट क्लॉज के साथ आया था तो उसी को बोलते हैं सनसेट क्लॉज तो ऐसा ही इन्होंने इधर बोला कि जो टैरप प्रोटेक्शन है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा वो सनसेट क्लॉज के साथ दिया जाएगा मतलब परपीचुअल नहीं रहेगा हमेशा के लिए नहीं रहेगा तो जो कंट्री का जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसको बढ़ाने के लिए अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेटिकल्स मेडिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अनाउंस की थी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उसमें छः दूसरे जो सेक्टर्स से हैं उनको भी ऐड किया जा रहा है जिससे कि और भी ज़्यादा जो है एफ़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएगा और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएशन होगी और गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और लैंड और लेबर से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको और कॉम्प्रोमाइज़ कर दे जिससे कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो सके अब यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो जो पीएलआई स्कीम है वो एक आउटकम है एंड आउटपुट जो इंसेंटिव है वो कब दिए जाएंगे इफ़ द मैनुफैक्चर मेक द गुड्स अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स प्रपेयर करता है तभी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अब ये जो स्कीम है वो कैश इंटेंसिव देगी फोर फाइव टू सेवन इयर्स और ऑल द सनराइज एंड इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स आर प्रमोटेड टू बी कवर्ड इन दिस कोई सेक्टर ऑटोमोबाइल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग एडवांस केमिस्ट्री सोलर फोटोवेल्ट सेल्स मैनुफैक्चरिंग अब ये जो नीड क्या है सनराइज़ सेक्टर्स क्या होते हैं आर प्रोमिस सेक्टर बट मे नीड सपोर्ट इन इनिशियल स्टेज जो सनराइज सेक्टर होते हैं उनको इनिशियल स्टेज में सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो एक्सपोर्ट वेज को डेवलप कर सकते हैं पी स्कीम के अंडर अब वर्ल्ड में एक ग्रोइंग डिमांड है डाइवर्सिफिकेशन इन सप्लाई चेन जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं कोई भी एक कंट्री है उसमें कोई कंपनी है बहुत बड़ी जैसे कि लेट सपोज़ कोई भी एक कंपनी ले, ले लेते हैं मैकडोनल्ड ले, ले लेते हैं तो वो जहाँ उसको चीज़ सस्ता मिलेगा वहाँ से वो चीज़ परचेस करेगी जहाँ ब्रेड मिलेगा सस्ता वहाँ से ब्रेड परचेस करेगी तो इसके बेसिस पे उनका जो सप्लाई चेन है वो अलग अलग कंट्रीज़ से आता है जैसे एप्पल है तो उसकी डिस्प्ले अलग जगह से आती है टच अलग जगह से आती है और जो बीच का सिलिकॉन चिप है वो अलग जगह से आती है तो इस तरह से सप्लाई चेन जो है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करे ऐसा गवर्नमेंट का मानना है तो इससे इंडिया जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से जो है वो पीएलआई जो स्कीम है मोबाइल फ़ोन्स के लिए लॉन्च की थी और इसको एक्सटेंड कर दिया था फार्मा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर में अब जो पी स्कीम है उसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी लॉन्च किया गया तो इस तरह से टोटल चार सेक्टर हो गए तो स्कीम जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है टू बूस्ट डेम डोमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग अब गवर्नमेंट का मानना है कि अगर डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग इम्प्रूव होगी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा इन्वेस्टमेंट आएगा इस स्कीम के अंडर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा फ़ोर टू सिक्स परसेंट ऑफ ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स मतलब लेट सपोज वो फर्स्ट ईयर नॉर्मली वो हंड्रेड रुपीज़ का सामान बनाते हैं और बेचते हैं नेक्स्ट ईयर अगर वो वन हंड्रेड टेन का बनाएंगे तो जो इंक्रीज़ हुआ टेन रुपीज़ का वो उसका फोर परसेंट उनको एज एन इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा साथ में इन्वेस्टमेंट आएगा तो गवर्नमेंट के पास जो है ज़्यादा टैक्स में फ़ंड मिलेंगे जिसको वो वेलफेयर स्कीम में यूज़ कर सकते हैं अब जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि जो पीएलआई स्कीम है वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन फॉर मोबाइल फ़ोन इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज थर्टी टू फोर्टी परसेंट बैट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव और जो पीएलआई स्कीम है अगर उसका यूज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज करती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा अब यहाँ पे ये जो नोट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम का चैनल ये ज्वाइन करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पर आपको पूरे जो नोट्स हैं डेली डे वाइज वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक टॉपिक है उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो इस नोट्स में आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग फॉर्मेट में तो आप जैसे कोई आंसर लिख रहे हैं और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपने लिए नहीं हैं आगे एयर क्वालिटी रिमेंस इन वेरी पुअर कैटेगरी एयर क्वालिटी के बारे में जो है हम डेली डिस्कस करते हैं कि जो दिल्ली में एयर क्वालिटी है वो बहुत वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है जो कि आपको दिख रहा होगा रेड कलर में थ्री हंड्रेड वन से फोर हंड्रेड जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसकी वैल्यू है अब यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इन कैपिटल रिमेंड इन अपर एंड ऑफ वेरी पुअर कैटेगरी मतलब वेरी पुअर कैटेगरी का भी अपर एंड नियरली क्लोज टू फोर तो ट्वेंटी फोर एवरेज जो है ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स वो थ्री हंड्रेड सेवेंटी फोर है जो थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है तो इससे अपन कह सकते हैं कि डेली में जो एयर की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है अब यहाँ पे ये यह सफ़र मॉडल की बात की जा रही है तो एक बार ये सफ़र मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के बेसिस पे यहाँ जैसे अब कल का इशू था सी आई सी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन का इशू था अरुणाचल प्रदेश uh, मिजोरम एंड आसाम बॉर्डर का इशू था देन आर आई आर आई डी एफ फंड का इशू था रेमन मैक्स या अवार्ड तो ये सारे इशूज़ जो हैं वो डेली जो भी इम्पोर्टेंट इशू आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये इंट्रोड्यूस किया था इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा और आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे तो बाय मेजरिंग ये जो सिस्टम है वो मेट्रो सिटीज़ में यूज़ किया जाता है ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल को मेज़र करने के लिए अब ये जो सिस्टम है वो इंडिजिनसली डेवलप है मीनस इंडिया में ही डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेज मेट्रोलॉजी ने ये डेवलप किया और इसको यूज़ किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इट हैज़ अ जाइंट टू कलर एल ई डी गिव गिप्स आउट रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें बहुत बड़ी ऐसी डिस्प्ले लगी होती है उस डिस्प्ले में रियल टाइम पे पता चल जाता है कि क्या है एयर की कंडीशन तो इसका मेन जो एम है वो लोगों में जो है अवेयरनेस जगाना उनको एजुकेट करना और सेल्फ मिटिगेशन प्रमोट करना जैसे अगर पब्लिक को ये दिखेगा कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है और ट्रू एलईडी बहुत जाइंट एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं एलईडी लगाई गई हैं जिसमें इनको पता चल रहा है तो लोग अवेयर होंगे कि हाँ एयर क्वालिटी जो है वो सचमुच खराब है और उनको कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए तो ये सफ़र सिस्टम के बारे में था नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अब ये यहाँ पे कोई इम्पॉटेंट uh, न्यूज़ अपने लिए नहीं है एडिटोरियल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल ये चार एडिटोरियल्स दिए हुए हैं आपको टेरर इन नाइस ये जो फ्रांस में जो चर्च में तीन पर्सनस को आ, मार दिया गया उनका बीहेड कर दिया गया गला काट दिया गया उसके बेसिस पे एडिटोरियल है एंड ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो सिटीज़ जो अर्बन सिटीज़ हैं मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड जो है प्रवलेंट है जैसे कि चेन्नई है, हैदराबाद है पुणे है मुंबई है और केरला की जो कुछ सिटीज़ हैं अभी वहाँ पे वाइड स्प्रेड जो फ्लड है उनके रीज़न यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं और उसको मिटिगेट करने के जो उपाय हैं वो इसमें इस एडिटोरियल में, इस में बहुत वाइडली डिस्कस किए गए हैं तो उसको देख लेंगे एक बार देन आफ्टर दिस ये जो साइंस ऑफ मानसून है जो इंडिया में मानसून है वो दो तरह का होता है उस पर बात की गई है और जो पॉलिसी है वो सिर्फ़ एक को लेके बनाई जाती है सेकेंड वाला जो है इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है बस बट उस पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ध्यान नहीं देती और ये जो नेक्स्ट एडिटोरियल है इसमें यू के बारे में बात की जा रही है कि यू में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो है वो आउटकम किस बात पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा और इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड टू थाउजेंड मैं जब जॉर्ज बुश और एल गोरे के बीच में इलेक्शन हुआ था तो उसमें जॉर्ज बुश जो है वो बिनिंग बिनर थे तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस उनका क्या उससे रिलेशन था इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात की जा रही है तो चारों एडिटोरियल को ध्यान से डिस्कस करते हैं अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही डेली आपको लगभग आठ बजे वीडियो आपको डेली मिल जाती है हाँ सबसे पहला जो एडिटोरियल है दैट इज़ टेरर इन नाइस अब यहाँ पे बात की जा रही है जो फ्रांस की एक सर्दन सिटी है सर्दन फ्रांस में एक सिटी है नाइस वहाँ पे थर्सडे में तीन पीपल को जो है वो मार दिया गया और बहुत और कुछ लोग इंजर्ड हो गए तो फ्रांस में जो अभी कंडीशन है वो ख़राब चल रही है वॉट लेट टू दिस कंडीशन फ्रांस में जो है वो चार्ली हेब्डो एक मैगज़ीन है जो कि सटैरिकल मैगज़ीन है जो सटायर मतलब एक प्रकार से व्यंग करती है तो उसने जो है मुस्लिम्स के जो प्रॉफिट हैं उनका एक जो कैरिकेचर है वो 2012 में प्रिंट किया था जिसके बाद से लगभग 200 लोगों की जो है जान इस बारे में फ़्रांस में जा चुकी है अब कंडीशन ये थी कि उन्होंने जब 2012 ट्वेल्व में वो कैरीकेचर प्रिंट किया था तो उसके बाद से ही उनकी जो प्रोडक्शन टीम थी उनके ऊपर जो है वो हमला हो गया अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अभी फिर से वो उन्होंने जो कैरीकेचर है वो रीप्रिंट किया और फिर एक स्कूल टीचर ने उसको स्कूल में बच्चों को शो कर दिया उसके बाद से ही लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो गई और उन्होंने उस टीचर को जो है विहेड कर दिया अब फ्रांस एक कंट्री है यूरोप में जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम इमिग्रेंट हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है वो वहीं पे पाई जाती है तो अब जो फ्रांस है उसके बाद जो फ़्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनने उस पर एक स्टर्न लुक लेते हुए अपनी बात रखी कि कुछ जो मॉस्क हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा और ये जो जिहादिस्ट हैं उनके ऊपर जो है वो रोक लगाई जाएगी अब लेकिन यहाँ पे वर्ड द ट्रेज़िक रियलिटी इज़ जो जिहादिस्ट हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं इनोसेंट लाइफ्स को इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हैं तो हर बार ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट कितना भी प्रिवेंटिव मेज़र ले लें लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं उनका रेडिकलाइजेशन किया जाता है जिससे कि वो आ, लोगों के ऊपर जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं अब यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि एक इम्प्लिकेबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स अभी आज की ज़रूरत है अगर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी फ़्रांस को अपनानी है लेकिन यहाँ पे फ्रांस को ये समझना है कि जो एनिमी हैं वो देश के अंदर ही है कहीं बाहर उसको नहीं जाना है और वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जैसे कि अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट तो वो अपने जो भी वर्ल्ड है उसको अपने नैरो व्यू से ऑब्ज़र्व करते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर जो है उनकी जो विचारधारा है उनको नहीं मानता है जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसको जो है वो मार देते हैं और फिर इस तरह से जो है वो सिविलाइजेशन चल रहा है अब यहाँ पे द फाइट अगेंस्ट जिहादिस्ट अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी अमंग द वर्ल्ड मुस्लिम्स बट अ पोटेंट थ्रेट टू सोसाइटीज़ अब जो ये मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स के अंडर जो जिहादीज़ हैं वो मिनिस्क्यूल परसेंटेज हैं बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत बड़ा पोटेंशियल ट्रैथ है सोसाइटी को क्योंकि वो लोग वायलेंस को मानते हैं एम्ब्रेस ऑफ वायलेंस और ये जो इनकी आइडियोलॉजी है सिर्फ उसी आइडियोलॉजी में फंसे रहते हैं तो वो अपने माइंड को यूज़ नहीं करते हैं और वर्ल्ड व्यू को जो है कोई वो दूसरों को ये आज़ादी नहीं देते कि वो भी दुनिया को जो है वो अपनी जो नज़र है उससे ऑब्ज़र्व करें इस तरह की अब यहाँ पे जो फाइट है वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के लिए हो रही है डेमोक्रेसीज के लिए सेक्युलरिज्म फ्रीडम एंड एकवैलिटी अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिज़्म तो ये एक मीडिएबल आइडियोलॉजी है मतलब बहुत पुरानी आइडियोलॉजी है उस समय जो राजा महाराजा थे उन्होंने ये अपनाई थी तो अब यहाँ पे वो जो आइडियोलॉजी है उसको आज के कंडीशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विध मॉडर्न वेपन्स तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर फ्रांस इस कंडीशन को कंटेन करने में जीत जाता है तो पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से जीत होगी अब यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल में बात की जा रही है वो है साइंस ऑफ मॉनसून अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है साउथ वेस्ट मॉनसून मींस दिस इज़ इंडिया तो इंडिया के जो साउथ वेस्ट रीजन से यहाँ से जो मानसून आता है दैट मानसून इज़ टर्म्ड एड साउथ वेस्ट मानसून तो इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ऑफिशियली जो है वो ख़त्म हो चुका है बिकॉज इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये विड्रॉल हो चुका है और उसकी जो एसोसिएटेड बिंड है और रेनफॉल पैटर्न है वो भी इंडिया से जा चुका है और इस साल जो है एट परसेंट सरप्लस जो है वो रेन हुई है जितना भी आईएमडी ने एस्टिमेट किया था अब फर्स्ट टाइम सिंस 2010 इंडिया को जो है वो हंड्रेड परसेंट से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड एवरेज जो कि एट्टी एट सेंटीमीटर है दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में मिला है तो लास्ट ईयर जो कंट्री uh, का जो रेनफॉल था वो वन हंड्रेड टेन परसेंट था लॉन्ग पीरियड एवरेज से हाइस्ट इन द क्वार्टर सेंचुरी मतलब पिछले ट्वेंटी फाइव ईयर्स में सबसे ज़्यादा है इंडिया को वन हंड्रेड फाइव परसेंट जो रेनफॉल है लॉन्ग पीरियड एवरेज वो दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कभी भी नहीं मिला लगभग तीस सालों में तो अब ये जो रेन है वो जो है वो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड अवेलेबल सिंस नाइनटीन नाइनटी एट आई एम डी वेबसाइट पर हैं मेट्रोलॉजिकल ऑफन स्पीक ऑफ टू और थ्री डिकेट्स अपोच अपोच मतलब एक पर्टिकुलर युग या साल 2000 सन जो है सिंस 2000 इंडिया जो है वो लो पैच है जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉट ईयर्स भी देखे और बहुत कम ही अब अब नॉर्मल या फिर एक्सेस रेनफॉल हुआ अब हो सकता है कि अगर टू ईयर में लगातार ऐसी बारिश हुई है तो हो सकता है इंडिया जो है वो रेनी एपोच में आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है अगर ज़्यादा रेन है वॉ व इट कुड मीन मोर रेन तो हो सकता है इससे जो फ्लड है उसकी कंडीशन बढ़े डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाए लैंडस्लाइड हो जाए लॉस ऑफ लाइफ तो सरप्लस रेन जो है वो ज़रूरी नहीं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन टाइम एंड स्पेस हर जगह पे एक ही प्लेस पे बहुत सारी बारिश हो सकती है तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे जिससे कि वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है तो यहाँ पे देयर फोर मच लाइक देयर आर अटेम्प्ट टू इम्प्रूव फ्लड फोरकास्ट वार्निंग्स इंडिया में जो है वो फ़्लड फोरकास्ट वार्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म्स में लोगों को बताने के लिए कि कैसे वो इसको कंटेन कर सकते हैं अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि आईएमडी जो है उसको अफर्ट लगाने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज़ को अफर्ट लगाना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है लोगों को बताया जा सके कि एक्सिस रेन से क्या इम्पैक्ट होता है अब यहाँ पे इस साल आई एम डी अंडर का लॉन्ग ड्यू रिविज़न ऑफ़ द ऑनसेट एंड विड्रॉल डेट्स ऑफ द मानसून इन इंडिया अब यहाँ पे उन्होंने ऑनसेट मतलब रेनफॉल का स्टार्ट होने की डेट और विड्रॉल मतलब रेनफॉल के ख़त्म होने की डेट पे जो है वो चेंज किया है अब द मॉनसून की जो नॉर्मल विड्रॉल डेट है वो फिफ्टीन अक्टूबर है हिस्टोरिकली और ये जो है वो स्टेटिस्टिकल एवरेज है एक तरह से एक्चुअल विड्रॉल इसके आसपास कुछ दिन में हो जाता है लेकिन ये जो इस साल जो विड्रॉल हुआ है मानसून का वो बहुत ही लेट हुआ है तो अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रपेयरनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून हैं वो साथ ही साथ हेराल्ड मतलब सपोर्ट करता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली बेंड हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आती हैं और वो जो है वो मानसून का एडवेंट करती हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो जो कि इम्पोर्टेंट है वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो सिर्फ टेन से ट्वेल्व परसेंट ही कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल एनुअल रेनफॉल का लेकिन साउथ ईस्ट मानसून जो है साउथ वेस्ट मॉनसून वो सेवेंटी फाइव से एट्टी परसेंट को कैटर करता है तो अब अगर जो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो टेन से ट्वेल्व परसेंट ही कर रहा है तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के ऊपर ज़्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं करती हैं तो स्टडी ने ये शो किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है वो ऑलवेज़ सिग्निफिकेंट वेरिएशन उसमें हमेशा चेंज होता रहता है तो जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं अथॉरिटीज़ के पास वो इन हैं ये बताने के लिए कि आखिर किस तरह की बारिश होने वाली है तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है सुपर कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जिससे कि जो वेदर फोरकास्ट है उसको ना ना केवल सिर्फ रेनफॉल एस्टिमेट देना बट जो फ़्लड से जो डैमेज हुआ है उसको भी फैक्टर इन करना तो अगर इस तरह से जो एफ़र्ट है वो लगाया जाता है तो साइंटिस्ट को और एफर्ट लगाना चाहिए रिसर्च प्रोग्राम बनाने में जिससे कि एनालाइज किया जा सके नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को साथ में अलोंग विथ मोर अंडरस्टैंडिंग इन हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग लोकली इंडिया को जो है ये एडिटोरियल एंड होता है कि इंडिया नीड्स वेटर साइंस टू प्रपेयर मोर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स मतलब इंडिया को जो साइंस का और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और अच्छे इफेक्टिवली डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को अचीव करना अचीव करने के लिए एंड इम्प्रूव रिजिलेंस इन वार्मिंग वर्ल्ड और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसमें अपनी जो रिजिलेंस है अपनी जो पकड़ है उसको बढ़ाना चाहिए अब नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है टाइम फॉर स्पॉन्च सिटीज़ मिशन इन इंडिया अब इस आर्टिकल में राइटर ने स्टार्ट यहाँ से किया है कि जो हैदराबाद में अभी जो फ़्लड आई उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल था और अर्बन एरियाज़ में जो है वो था इससे कि थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में हैदराबाद में पचास से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और जो है सौ से ज़्यादा जो रिवर बेड है नदी का जो नदी के जो किनारे जो घर बने हैं वो उस रिवर की पानी की वजह से बह गए और जो अब यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हैदराबाद की जो फ्लड से उसमें बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन हुआ था अब ये बात यहाँ पे राइटर कर रहा है कि जो ये कंडीशन है वो सिर्फ हैदराबाद के साथ नहीं है ये कंडीशन जो है वो एक्रॉस इंडिया है उस राइटर ने बात की है कि चेन्नई में में से फ्लड आई थी जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था लाइफ को गुरुग्राम जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे भी जो है कुछ ईयर पहले मॉनसून मंथ में कंप्लीट स्टैंड स्टिल मतलब पूरी लाइफ जो है वो रुक जाती हैं और मुंबई में अगर मॉनसून आता है तो वहाँ पे तो बाढ़ आती ही है ये राइटर बात कर रहा है आगे राइटर ने बात की है कि दस साल पहले जो साइंटिस्ट हैं वो जो कि पोस्टडम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी उन्होंने हैदराबाद के लिए क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन टूल प्रपेयर किया था लेकिन जो हैदराबाद की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया हाउएवर जो इंडिया में जो सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो उस मॉडल को बहुत अच्छा मान रहे थे और उस मॉडल को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ता जा रहा है मेट्रो सिटीज़ में वैसे वैसे उस मॉडल में चेंज करके उसको यूज़ किया जा सकता था जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बचाई जा सकती थी अब दूसरी चीज़ ये है कि द फर्स्ट अनप्रेसिडेंटिड रेनफॉल जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ 2016 में उस उस कंडीशन में जो है हैदराबाद में सिक्सटीन ईयर्स का जो रिकॉर्ड टूट गया और सिक्सटीन सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो सिंगल डे में हुई टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो सिटी है उसमें फोर हंड्रेड फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हुआ कंपेयर टू एवरेज रेनफॉल इट्स रिसीव ड्यूरिंग दिस मंथ तो इसकी वजह से जो है वो रेनफॉल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो रेनफॉल बढ़ने की साथ साथ वहाँ पे जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है उसको सिटीज की जो मेट्रोपॉलिटन uh, जो सिटी uh, है उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वाटर को डिस्चार्ज नहीं किया तो वाटर को जब अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा तो अगर रेनफॉल एक्सेस हो जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन उनको वाटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा जिससे फ्लड की कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है अब जो दूसरी कंडीशन है जिसकी वजह से फ्लड का प्रवलेंस बढ़ रहा है वो है एंटीक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्रिक मतलब ओल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हैदराबाद का हैदराबाद का सेंचुरी ओल्ड लगभग सौ साल पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ड्रेनेज सिस्टम है नाइनटीन में डेवलप किया गया था वो सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ द कोर सिटी जो ओल्ड हैदराबाद है वहाँ उसको कवर करता है लास्ट ट्वेंटी इयर्स में हैदराबाद जो है वो फोर टाइम्स जो उसका औरिजिनल बिल्टअप एरिया जो है वो बढ़ चुका है लेकिन जो एरिया जिनमें नाइनटीन हंड्रेड एट टू थाउजेंड वन और टू थाउजेंड फ़ाइव में जो फ़्लड आई थी वो वहाँ पे अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी में फ़्लड नहीं आई है अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो प्राचीन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है लेकिन ये बात नहीं बोली जा रही कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा रेपिडली ग्रो हो गई है साथ में अब उस समय पर जब सिटी ग्रो हो रही है तो उसमें टाउन प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं किया गया और ड्रेनेज सिस्टम है उसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो अभाव है वहाँ पर अब यहाँ पर राइटर बात कर रहा है कम्यूनिटीज़ के इनकलूज़न की जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसमें जो फैक्टर ऐसे हैं जिन पर जिन पे अपना बस चलता है अपन को उनके बारे में ही बात करनी चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट अपने प्रोनाउंसेंट अपने प्रोनाउंसमेंट में मीडिया अपनी जो रिपोर्ट्स हैं और जो पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट करती है उसमें सारी बातें ऐसी बोली जाती हैं कि जिसपे किसी का भी बस नहीं है लेकिन यहाँ पर बात की जानी चाहिए कि जो भी फ्लड वग़ैरह है उस रीज़न में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जैसे कोई वेटलैंडस है कोई आ, झील है लेक है तालाब है तो उस रीज़न में रहने वाले जो वहाँ पे लोग हैं जो फिशरमैन हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनका साथ लेके गवर्नमेंट को जो है वो चीज़ों को ठीक करने का सोचना चाहिए जिससे कि जो वेटलैंड्स हैं उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है साथ ही साथ लोकल कम्यूनिटीज़ को इन्वॉल्व करके जो हर साल दर साल जो बाढ़ की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है उस उसको जो है वो कंटेन किया जा सकता है बिकॉज़ जो टेरेन है जो ज़मीन है वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है होल्ड नहीं कर पा रही है और जो वाटर है उसको बाद में यूज़ भी नहीं किया जा सकता है बिकॉज़ ऑफ दैट अब यहाँ पे राइटर आगे बात कर रहा है मेकिंग सिटीज़ परमिएबल इसमें राइटर का कहना है कि जो कोई भी कंडीशन है उससे अकेली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो फ़ाइट नहीं कर सकती या स्टेट गवर्नमेंट फ़ाइट नहीं कर सकती है इसमें जो है वो एक मिशन मोड पे सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सपोर्ट लेके कॉमन पीपल प्राइवेट इंडिविजुअल्स का सपोर्ट लेके ही गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर सकती है अब यहाँ पे राइटर ने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि बी नीड अ मिशन दैट मिटिगेट फ्लड रिस्क तो हमें एक ऐसे मिशन की आवश्यकता है जिससे कि जो फ्लड रिस्क है उसको कम किया जा सके और वाटर सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा सके तो जो सबसे प्रामिसिंग आइडिया है जो सारे वर्ल्ड में अप्लाई किया जा रहा है वो है स्पन्ज सिटीज स्पंज एक इस तरह का आपने देखा होगा सब्सटेंस होता है जिसमें कि वाटर की एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती तो उससे इन्होंने उसका मेटाफर लिया है उससे रिलेट करके बताया है कि जो स्पन्ज सिटी है उससे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परमीएबल बनेगी सिटीज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा परमीएबल बनेगी जिससे कि जो भी रेनफॉल से जो वाटर आ रहा है वो वाटर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और वो ने, नेचुरली जो है वो सॉइल उसको फ़िल्टर कर देगी और फिर अर्बन एक्वीफ़र्स जो शहरों के अंदर जो पानी को स्टोर करने की जगह है वहाँ पर चला जाएगा तो इससे जो वाटर का एक्सट्रेक्शन है ग्राउंड से वो धीरे धीरे अर्बन पैरिफेर बेल से मतलब कुओं से बढ़ सकता है और इस वाटर को ट्रीट करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और दूसरी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट इंटरकनेक्टेड वाटर बेस बना सकती है चैनल्स पॉन्ड जिससे कि नेचुरली जो वाटर है वो वहाँ पे चला जाए और वो फिल्टर हो सकता है इससे अर्बन इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलेगा नई जो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पार्क बनेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जा सकता है अब इधर पे जो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत मिशन है उसका यूज़ किया जा सकता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का यूज़ किया जा सकता है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगुमेंटेशन योजना इसका भी यूज़ किया जा सकता है अब यहाँ पे जो बैटले पॉलिसी है यहाँ पे जो अगर कोई बेट है कोई ऐसी जगह जहाँ पे वाटर स्टोर है और वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की है तो उसको भी उस वाटर को स्टोर करने के लिए इनक्रेज किया जा सकता है जिससे कि जो वाटर का लेवल है वो इनक्रीज़ हो जाए थैंक यू वेरी मच